एग्जाम्पल वन में हमें कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड टू द अदर एंड इज फास्ट एंड ए पार्टिकल हैवी इनफ टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग टू डबल इट्स नेचुरल लेंथ ए द स्ट्रिंग इज ड्रॉन वर्टिकली डाउन टिल इट इज फोर टाइम्स इट्स नेचुरल लेंथ एंड देन लेट गो प्रूव दैट द पार्टिकल विल रिटर्न टू दिस पॉइंट इन टाइम एक प्रत्याश डोरी का एक सिरा स्थिर है दूसरे सिरे पर एक ऐसा कण बंधा हुआ है जिसका भार डोरी के उसकी स्वाभाविक लंबाई एक की दुगनी लंबाई तक बढ़ा देता है डोरी उर्दा दिशा में नीचे की ओर इतनी खींची जाती है कि वह अपनी स्वाभाविक लंबाई की चार गुनी हो जाती है और फिर इसे छोड़ दिया जाता है सिद्ध कीजिए कि की कण इस बिंदु पर निम्न समय पश्चात लौटेगा यानी यह जो कण है वो वापस उस पॉइंट पर यह जो टाइम दिया हुआ है अंडर रूट ए अपॉन जी टू अंडर रूट थ्री प्लस फोर पाई अपॉन थ्री इतने टाइम के बाद में वापस लौटेगा ये हमें प्रूफ करना है प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक डोरी दी हुई है ये डोरी ओ बिंदु पर बंधी हुई है यहां पर ए बिंदु पर एक कण जिसका द्रव्यमान एम है लगा हुआ है एम द्रव्यमान के कारण इसमें जो विस्तार उत्पन्न होता है वो डोरी की लंबाई के बराबर है अर्थात अगर ये लंबाई ए मान के चलते हैं तो ये जो विस्तार उत्पन्न हुआ वो भी ए के इक्वल है ए के इक्वल कब है जब हमारे पास इस पर द्रव्यमान एम यानी मास एम जो कण है वो अटैच किया गया है। अब इसको यहां से नीचे की ओर खींचा जा रहा है बिंदु सी तक तब तक खींचा जा रहा है जब तक इसकी लंबाई चार गुनी नहीं हो जाती स्वाभाविक लंबाई की स्वाभाविक लंबाई की चार गुनी का मतलब ये हो गया कि यह जो लंबाई है जहां तक इसको खींचा गया है वो कितना है टू ए के इक्वल है अगर 2A के इक्वल है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन मान के चलते हैं क्योंकि एम द्रव्यमान का कन लटकाया और कन लटकाने के कारण ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है यहाँ पर जोड़ रहे हैं ये ए बिंदु पर किस टाइम पहुँचेगा उसके लिए हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये जो पॉइंट था हमारे पास सी पर वापस कब लौटेगा कितने समय पर लौटेगा वो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से छोड़ा हमने ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा तो ये सी पॉइंट तक कितने समय में आएगा वो हमें ज्ञात करना है पूरा आवर्तकाल हो गया एक तरह से आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है आवर्तकाल निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट बी पर ऑन पॉइंट बी क्योंकि पॉइंट बी पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टेंशन क्रिएट होगी टी जीरो वो एम जी के इक्वल होगी और हुक्का नियम हुक्का नियम ये कहता है कि डोरी में जो विस्तार उत्पन्न होता है यानी ए ए मान का विस्तार उत्पन्न हुआ बट सब स्वाभाविक लंबाई यानी ए नेचुरल लेंथ के इक्वल होगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम जी के इक्वल ये फर्स्ट कंडीशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमें लेमडा की वैल्यू के लिए कंडीशन दी हुई है उसके बाद में जब बी पॉइंट पर इसको खींचेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा क्या होगी इक्वेशन ऑफ मोशन एम डी टू एक्स बाई डी टी टू एक तो वेट लग रहा है नीचे की ओर एम जी लेकिन डोरी में जो तनाव उत्पन्न होगा वो कैपिटल टी होगा इस कंडीशन में एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्र इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ये टी की वैल्यू लैम्डा एनी टाइम स्मॉल टी पर हम इसकी पोजीशन अगर पी लेट करके चलते हैं तो और ये डिस्टेंस एक्स लेट करके चलते हैं तो डोरी में जो विस्तार उत्पन्न हुआ वो पहले ए मान का था बाद में एक्स मान का और हो गया ए प्लस एक्स हो गया बट ए स्वाभाविक लंबाई ए के इक्वल है इसको सॉल्व करेंगे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्र इक्वल्स टू एम जी माइनस लैमडा माइनस लैमडा एक्स अपॉन ए लेमडा और एम जी इक्वल है इसलिए ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से m की वैल्यू डिवाइड में ले जाए तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्र इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स अपॉन ए एम के इक्वल आएगा एम टू एम कैंसल ये बन गया डी टू एक्स अपॉन डी टी टू माइनस जी एक्स अपॉन ए जो कि एक एस एच एम गति को व्यक्त करता है एस एच एम एस एच एम गति के अंदर हमारे पास जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू और यहां म्यू की वैल्यू कितनी है जी अपॉन ए के इक्वल है अगर जी अपॉन ए इसमें पुट कर देते हैं तो यह बन जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ ए अपॉन जी के इक्वल जो एस एच एम का आवर्तकाल होगा एस एच एम कब तक रहेगा जब तक डोरी तनी हुई है तब तक उसमें एस एच एम है यानी स्ट्रेच जब तक रह रही है डोरी तब तक तो इसमें एस एच एम की गति रहेगी जैसे ही स्ट्रेच यहां तक पहुंच गया कण ए बिंदु पर अगर ए से ऊपर जाएगा अगर ए से ऊपर जाएगा तो डोरी में जो तनाव है वो ख़त्म हो जाएगा डोरी ढीली हो जाएगी और अगर डोरी ढीली हो जाती है तो उसकी गति एस एच एम नहीं रहती फिर वहाँ पर हमारे पास सिंपल मोशन होगा क्योंकि यहाँ पे तो इसका बाहर और इसके तनाव के कारण गति उत्पन्न हो रही थी लेकिन यहाँ पे तनाव तो खत्म हो गया उसका टेंशन जो हमारे पास क्रिएट हुआ था वो तो ज़ीरो हो गया डोरी बिल्कुल ढीली पड़ गई हमारे पास रिलीज़ हो गई उस केस में इसकी जो गति होगी वो डायरेक्ट हमारे पास मोशन क्रिएट होगा उस समय क्या टाइमिंग लेगा उसको कैलकुलेट करते हुए उसका टू टाइम्स कर देंगे आवर्तकाल जो एसएचएम का आवर्तकाल है वो सी से ए तक और ए से वापस सी तक आने का टोटल टाइम पीरियड आ गया जो हमने कैलकुलेट कर दिया टू पाई अंडर रूट ऑफ ए अपॉन जी के इक्वल है अब हम इसमें सबसे पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन ये रही d2x/dt2 इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए एक्स इसको सॉल्व करेंगे वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए टू एक्स इंटीग्रेट करें वी स्क्र अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस एनी कॉन्स्टेंट ए अपॉन टू टू कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाइल एक्स इज इक्वल्स टू टू ए ये पॉइंट जब एक्स की वैल्यू टू ए के इक्वल है यहाँ तक लाके इसको खींचते हुए यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं जिस मोमेंट पर छोड़ेंगे वहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी इसकी अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो एट एक्स इज इक्वल्स टू टू ए वी इज इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन बनेगी और अगर ये वैल्यू बुट करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जी अपॉन ए इंटू फोर ए स्क्र जिसको फोर ए जी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे ये वैल्यू अगर इसमें सब्सटीट्यूट करें तो वी स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए एक्स प्लस फोर ए जी आ जाएगा सॉल्व करें इसको तो वी स्केर इज इक्वल्स टू जी अपॉन ए कॉमन लेंगे यहां आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क् वी की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट जी अपॉन ए A X square, वो भी के साथ, इसलिए X डिक्रीज होता जा रहा है ये जो लेंथ है X की वो लगातार तो हम इसको नेगेटिव साइन के अंदर कंसिडर करेंगे वी इज इक्वल्स टू अब इसके अंदर भी हमारे पास देखो जब बी पॉइंट पर इसकी ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का मेथड क्या रहेगा हमारे पास एक फोर रहेगा अभी उसमें फोर ए जी था ये यहां फोर ए स्क्र बनेगा यहां फोर ए स्क्र आएगा टाइम कैलकुलेट करने के लिए वी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी माइनस अंडर रूट जी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ फोर ए स्क्र माइनस एक्स स्क् डी एक्स इज अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू डी ये माइनस का अंडर रूट ऑफ ए अपॉन जी आ जाएगा इंटीग्रेट करना है इसका यहां इंटीग्रेशन जो करेंगे उसमें हम आइदर तो आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्योंकि हमें पॉइंट ए के बाद की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है कि ए पॉइंट तक पहुंचने में इसमें टाइम कितना लिया वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आइधर दो तो आप उसमें टू ए से लेकर ए तक का टाइमिंग याद कर लीजिए या फिर इसके अंदर हमारे पास ये एस एच एम अगर टू ए लेंथ ऊपर की ओर होता तो एस एच एम रह जाता लेकिन यहाँ पे टू ए लेंथ नहीं है ये सिर्फ ए लेंथ तक स्ट्रेच रह रही है इधर टू ए लेंथ है दोनों में डिफरेंस है इसलिए हम इसको एस एच एम न बोलते हुए इस एस एच एम वाला टॉपिक जो है उसको कंसिडर ना करके डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे इसको अगर सॉल्व करते हैं टाइमिंग निकालना है हमें टाइमिंग जीरो से यानी सी पॉइंट से और t1 तक a पॉइंट तक हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ t इक्वल्स टू जीरो से t इक्वल्स टू टी तक का अगर टाइमिंग a पॉइंट तक का टाइमिंग t1 वन कंसिडर करें डिस्टेंस उसने कवर की x इज इक्वल्स टू टू ए से क्योंकि यहाँ पर x की इक्वल्स टू ज़ीरो है और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल्स टू माइनस ए आएगी तो उस केस में इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2a से माइनस ए तक इंटीग्रेट किया जाएगा माइनस ए इसलिए क्योंकि x ये हमारे पास लेंथ होती है इक्विलिब्रियम के बाद की कंडीशन में एक्स आ रहा है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक्स की वैल्यू जीरो होगी और ऊपर की ओर नेगेटिव नीचे की ओर पॉजिटिव के अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं इंटीग्रेट करेंगे इसको टी वन इज इक्वल्स टू क्योंकि जीरो से टी वन तक डी टी का इंटीग्रेशन टी वन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस अंडर रूट ऑफ ए अपॉन जी इन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू ए लिमिट हो जाएगी टू ए से माइनस ए पहले माइनस ए बुट करो अगर माइनस ए बुट करेंगे ए से ए कैंसिल माइनस हाफ आएगा माइनस हाफ लेने पर माइनस बाहर आ जाएगा हाफ हाफ़ वैल्यू होती है पाई बाई सिक्स की तो माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा माइनस टू ए बुट करेंगे अगर टू ए बुट करेंगे टू ए से टू ए कैंसिल हो जाएगा वन बचेगा वन की वैल्यू पाई बाई टू होगी तो माइनस का पाई बाई टू सिक्स एल्सियम सिक्स को अगर एल्सियम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई माइनस थ्री पाई माइनस फोर पाई अपॉन सिक्स माइनस इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा फोर पाई अपॉन सिक्स को हम टू पाई बाई थ्री लिख सकते हैं सो टू पाई बाई थ्री अंडर रूट ऑफ ए अपॉन जी ये जो टी वन है वो सी टू ए टाइम फ्रॉम सी टू ए हो जाएगा टाइम फ्रॉम सी टू ए इतना नोट कीजिए उसके बाद में मैं नेक्स्ट करवाता हूँ. अब हम कैलकुलेट करेंगे ए से ऊपर जाने का टाइम ए तक का टाइमिंग हमारे पास आ गया टू पाई अपॉन थ्री रूट ऑफ ए अपॉन जी ए से ऊपर जब गति करेगा तो नॉर्मल मोशन हमारे पास क्रिएट होगा नॉर्मल मोशन का मतलब उसमें स्ट्रिंग की जो टेंशन थी वो जीरो हो जाएगी स्ट्रिंग टेंशन जीरो होने के कारण जो उसका वेग है उसके कारण गति करता है अब वेग के कारण अगर गति करता है तो ए बिंदु पर वेग कितना है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं फिर गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी उसका उपयोग करते हुए एक ही जगह जी हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहे हैं वहां से हम टी कैलकुलेट करेंगे और टी की जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें टाइमिंग ए से ऊपर जाने का कितना टाइमिंग है वो कैलकुलेट हो जाएगा ए से ऊपर जाने का टाइमिंग आने के बाद में टी की वैल्यू अगर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे सॉरी ए से ऊपर का टाइमिंग आ जाएगा सी से ए तक का टाइमिंग आ जाएगा दोनों को ऐड करके टू टाइम्स करेंगे दो वापिस सी तक पहुंचने का समय ज्ञात हो जाएगा तो सबसे पहले पॉइंट बी पर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट पॉइंट ए ए पर एक्स की वैल्यू माइनस ए है वेलोसिटी की जो इक्वेशन की थी वो वी स्केयर इज इक्वल टू जी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ फोर सॉरी फोर ए स्क्र माइनस एक्स के इक्वल है एक्स की वैल्यू अगर ए सब्सिट्यू माइनस ए सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो वी स्केयर इज इक्वल्स टू जी अपॉन ए इंटू थ्री ए स्क्र रहेगा हमारे पास ए टू ए कैंसिल V की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ थ्री वेलोसिटी है एट द पॉइंट ए इस वेलोसिटी के कारण वो आगे की ओर मूव करेगा इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास मोशन की थी वी इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी हमें टाइम उस वक्त कैलकुलेट करना है जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए इनिशियल वेलोसिटी उसकी अंडर रूट ऑफ थ्री ए जी के इक्वल है माइनस जी इन टू टी टाइम कैलकुलेट हो जाएगा इससे जो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्री ए अपॉन जी के इक्वल ये टाइमिंग जो है वो ए से ऊपर जाने का टाइमिंग है ए से कितने ऊपर जाएगा अंडर रूट थ्री ए अपॉन जी टाइम तक ऊपर जाएगा टोटल टाइम ये बन जाएगा टी प्लस टी वन यानी अंडर रूट ऑफ थ्री ए अपॉन जी प्लस टू पाई अपॉन थ्री अंडर रूट ऑफ ए अपॉन जी के इक्वल और जब हम वापस सी तक लौटने का समय ज्ञात करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास टू टाइम्स कर देंगे इसका टाइम पीरियड वो हो जाएगा आपके पास टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट थ्री ए अपॉन जी प्लस टू पाई अपॉन थ्री अंडर रूट ऑफ ए अपॉन जी कॉमन आ रहा है टू अंडर रूट ऑफ ए अपॉन जी यहां रह जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस टू पाई बाई थ्री ज्यादा ज्यादा इसमें थ्री एलसीएम लेके या टू को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए हम शो कर सकते हैं इसने प्रूफ करने को कहा हुआ था अंडर रूट ए अपॉन जी तो उसके अकॉर्डिंग टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा ए अपॉन जी इन टू अंडर अपॉन थ्री इतना टाइम वो वापस सी तक आने में लगेगा एग्जाम्पल नंबर टू गिवन है टू बॉडीज एम एंड एम डैश आर अटैच टू द लोअर एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग Whose upper end is fixed and are hung at rest. M dash falls off. Prove that the distance of M from the upper end of the string at time t is A plus B plus C cos under root of G upon Bt, where A is the natural length of string and B C R X. जिसमें क्या दिया हुआ है एक्सटेंशन एक्सटेंशन इट्स लेंथ ड्यू टू एम एंड एमडेस रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है कि दो पिंड एम और एमडेस एक प्रत्याश डोरी के सिरे पर लटकाए जाते हैं उसके ऊपर का सिरा स्थिर है और जब पिंड विरामावस्था में हो तब एमडेस नीचे गिर जाता है तो एक पार्टिकल दो पार्टिकल लगाए गए हैं इस पर यहाँ पर हमारे पास ओ यहाँ से एक स्ट्रिंग इस पर एम पार्टिकल लगा दिया गया एम पार्टिकल के कारण विस्तार उत्पन्न होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी फिर इस पर एम डेस पार्टिकल लगा दिया गया एम डेस के कारण भी विस्तार उत्पन्न होगा यहाँ तक स्थिति आएगी इस पॉइंट को अगर हम ए इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी मान के चलें तो यहां तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन उसने दी हुई है विराम है सिद्ध कीजिए एमडेस जब पिंड विराम में हो यानी यह यहां पे विरामावस्था में है v इक्वल्स टू जीरो है ये हिल नहीं रहा यहां से जब v इज इक्वल्स टू जीरो है तो एमडेस नीचे गिर जाता है ये जो एमडेस मास था वो टूट गया यहां से टूटते ही क्या होगा इसके कारण जो विस्तार उत्पन्न हुआ था उसके कारण जो टेंशन क्रिएट हुई थी ऊपर की ओर गति करना स्टार्ट कर देगा ऊपर की ओर जब गति स्टार्ट करेगा तो सिद्ध कीजिए कि टी समय पर डोरी के ऊपर वाले सिरे से एम की दूरी यानी जब ये गति करता है तो टी समय पश्चात इस ओ से जो दूरी आएगी वो ए प्लस बी प्लस सी कॉस अंडर रूट ऑफ जी अपॉन बी टी होगी जहां ए डोरी की स्वाभाविक लंबाई यानी ये जो ओ से ए तक की लंबाई है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है बी और सी क्रम से एम और एम द्रव्यमान लटकाने के बाद में हमारे पास जो डोरी में विस्तार उत्पन्न हो रहा है उसको व्यक्त करता है क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया हुआ है अब हमें इसको टी समय बाद इसकी दूरी कितनी होगी कितने समय कितना पहुंच जाएगा वो हमें ज्ञात करना है हाँ एम डैस नीचे गिर जाता है ये जो द्रव्योमान एमडेस लगा हुआ था इसका वो टूट जाता है नीचे गिर जाता है अब टूट जाने के बाद में नीचे गिरने के बाद में जैसे मान लो हमारे पास ये डोरी है पहले तो डोरी में विस्तार इतना हुआ एम द्रव्यमान से दोबारा डोरी पर द्रव्यमान लगाया इतना हो गया यहां से अब कण टूट गया अगर टूट गया तो वो ऊपर की ओर गति करेगा क्योंकि उसका वास्तविक जब एम बार लटकाया गया तब तक तो, तो इतना ही आना था लेकिन वो क्या हुआ आगे विस्तार किसके कारण हुआ एमडेस के कारण टूट गया तो ऊपर की ओर गति करेगा अगर ऊपर की ओर गति करता है तो वो टी समय पश्चात कितनी दूरी तक पहुंचेगा वो हमें याद करना है बस टी समय में टाइम जब टी उसने कंटेन किया है तो उस टाइम टी के अंदर वो वापस कितनी डिस्टेंस पर इस ओ से कितनी डिस्टेंस पर है वो हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन समझ में आ गया सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये बताओ मेरे को इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब बनेगी एट पॉइंट बी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है एट पॉइंट बी पर एम द्रव्यमान लटकाने के कारण इक्विलिब्रियम बन रहा है अगर एम पॉइंट लटकाने पर इक्विलिब्रियम बन रहा है तो यह बन जाएगा कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू लैमडा इन विस्तार अपॉन इनिशियल इनिशियल हमारे पास नेचुरल लेंथ जो है वो ए है इसके इक्वल होगा पहली कंडीशन आ जाएगी ये दूसरी कंडीशन हमारे पास इक्वेशन नंबर वन से इसको पुट कर देते हैं इसके कारण जो गति की समीकरण बननी है वो क्या होगा क्योंकि एमडेस का तो कारण तो टूट गया एक तरह से ये मान के चलते हैं कि जब एमडेस द्रव्यमान लगाया गया वो एक तरह से अन्य बल लगाया गया तो उसको खींचा गया सी पॉइंट तक और उसको छोड़ दिया गया एक तरह से वही कंडीशन हुई एमडेस का रोल कहाँ है एमडेस का कोई रोल नहीं हुआ एमडेस का रोल इतना ही था कि यहां तक इसको खींचा गया था एमडेस के कारण लेकिन एमडेस यहां से टूट गया टूट गया तो उसके बाद में उसमें गति उत्पन्न हो गई एमडेस के कारण गति उत्पन्न होगी तो वास्तव में जो हमने पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल किया था उसमें और इसमें डिफरेंस कहाँ है वहां पे लेंथ कुछ अलग अलग दी हुई थी इतना ही था कि एम द्रव्यमान लटकाने के बाद में उसको नीचे खींचा गया अब चाहे उसको बल लगा के नीचे खींच दो चाहे एमडेस द्रव्यमान लगा के उसको नीचे की ओर खींच दो बात तो एक ही होगी एमडेस का कोई ज्यादा रोल नहीं है इसमें इतना ही रोल है कि वो स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींच रहा है और बाद में जब निम्नतम बिंदु पर पहुंच जाता है तो वहां छूट जाता है और कण ऊपर की ओर गति करने लग जाता है यानी वापस से मोशन क्रिएट हो जाती है वर्टिकल मोशन हमारे पास तैयार इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो एमडेस का उतना ही रोल है अब अगर हम गति के समीकरण लिखे इसमें क्या बनेगी गति के समीकरण एम

एक्स मान का विस्तार और उत्पन्न हो गया तो बी प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन इन नेचुरल लेंथ ए के इक्वल इसको सॉल्व करेंगे एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्केयर इज इक्वल्स टू एम जी माइनस लैमडा बी अपॉन ए माइनस लेमडा एक्स अपॉन ए ये कैंसल क्योंकि दोनों इक्वल है इक्वेशन नंबर वन से यहां से अगर लेमडा अपॉन ए की वैल्यू निकाल दें हम तो ये बन जाएगी एम डी टू एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एम जी अपॉन बी एक्स के इक्वल आएगा ये बी डिवाइड में चला गया लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दी हमने कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल हो जाएगा ये इक्वेशन आ गई आपके पास डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वल टू माइनस जी अपॉन बी इन टू एक्स ये गति की समीकरण बन रही है एम डेस्कन टूटने के बाद इसके लिए टी टाइम पर उसने तय की गई दूरी ज्ञात करनी है दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वही हमें अप्लाई करना है सबसे पहले हम इसमें लेके चलेंगे वी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस जी अपॉन बी एक्स सॉल्व करो इसको वी स्क्र इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एनी कॉन्स्टेंट ए वेन एक्स इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू जीरो सॉरी वी इज इक्वल्स टू जीरो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ए की माइनस जी प्लस जी अपॉन बी इन टू सी स्क्र जिससे वी स्केयर इज इक्वल्स टू आ जाएगा जी अपॉन बी कॉमन सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र के इक्वल एन अब अगर हम इसमें वी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो v इज इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस का g अपॉन बी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र के इक्वल v को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी माइनस जी अपॉन बी अंडर रूट में आएगा ये भी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा डी टी इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ बी अपॉन जी इन टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र के इक्वल इंटीग्रेट करेंगे dt का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा माइनस का साइन है इसलिए इसको कॉस इनवर्स एक्स अपॉन सी की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ बी अपॉन जी इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन सी प्लस एनी कॉन्स्टेंट बी इंटीग्रल कांस्टेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा वाइल एक्स इज इक्वल्स टू जीरो सी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट पर टाइम जीरो है उस केस में ये वैल्यू आएगी बी की वैल्यू बन जाएगी माइनस का अंडर रूट बी अपॉन जी इंटू कॉस इनवर्स ऑफ वन कॉस इनवर्स वन जीरो की वैल्यू होती है बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी बी की वैल्यू अगर जीरो इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी अपॉन जी कॉस इन ऑफ एक्स अपॉन सी बनेगा इससे अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो सी कॉस ऑफ अंडर रूट बी जी अपॉन बी इन टू टी के इक्वल आएगा ये एक्स डिस्टेंस उसने कवर की है सी पॉइंट से सी पॉइंट से ऊपर की ओर जो तय की गई दूरी है वो c cos ऑफ अंडर रूट जी अपॉन बी इंटू टी टी टाइम पर उसके द्वारा कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट है अगर b पॉइंट से इतने डिस्प्लेसमेंट पर है हमें o पॉइंट से इसकी दूरी निकालनी है o पॉइंट से दूरी निकालनी है तो नॉर्मल सा केस है cos में है cos का मतलब हाइएस्ट वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है वन हो सकती है मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो सकती है तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो सी को मैक्सिमम <coughs> वैल्यू वन से मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी से तो ज्यादा दूरी तय कर ही नहीं सकता समय में अगर सी से ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकता इसका मतलब जो कण हुआ वो सी और बी के बीच में है कहीं ना कहीं अगर ओ से दूरी निकालेंगे तो ओ से दूरी ज्ञात करने पर ओ से ए तक की दूरी ए से बी तक की दूरी और बी से जो भी पॉइंट पर पहुंचा सपोज करो डी पॉइंट पर पहुंचा उस डी तक की दूरी को व्यक्त करेगा तीनों को ऐड करेंगे तो ओ से दूरी आ जाएगी उसकी हमें उसने ओ से दूरी पूछी थी तो ओ से कण की दूरी वो बन जाएगी ओ ए प्लस ए बी प्लस एक्स अर्थात ए प्लस बी प्लस सी कॉस अंडर उट जी अपॉन बी इन टी जो हमें प्रूफ करना था